Hello students, we have been studying 10th chapter of science book. The chapter's name was Water Around Us, and we had to study from page number 85. So please open your science book, page number 85. बेटा हम लोग साइंस की किताब का 10वां चैप्टर पढ़ रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था वाटर अराउंड अस, ठीक है, और उसमें हमें पेज नंबर 85 से पढ़ना था। सो प्लीज अपनी साइंस बुक पेज नंबर 85 वाला खोलिए और आई चले देखा जाए। देखिए ये रही रिटेन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मीन्स जल चक्र। जल चक्र का मतलब बेटा जल जो है उसका चक्रीय क्रम किस तरह से चलता है। जल जो है वाष्पित होता है, फिर जल बनता है, कैसे कैसे होता है, देखिए आप स्पीकर में देखिए आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि सूर्य धूप निकली हुई है, ठीक है ना, और ये देखिए ये जल क्षेत्र है, नदी तालाब झील समुद्र जो भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो सूर्य की गर्मी से इसका टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जल जो है वाष्पित होता है, ठीक है ना, वाटर वेपर, ये जल वाष्प जो है ऊपर उठ रही है, और ये जल वाष्प जब ऊपर उठेगी तो ये ऊपर जा कर के संघनित होकर के जो है जल की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में बादलों का रूप ले लेगी। ये देखिए बादल बन गए, ठीक है ना, और तब जब इन जल कणों का आकार बड़ा होने लगेगा तो रेन ड्रॉप्स के रूप में, वर्षा की बूंदों के रूप में बेटा ये फिर से जो है धरातल पर गिरने लग रही है। ये देखिए पानी का स्तर, ठीक है ना, ये है जल चक्र, यानी पृथ्वी का जल जो है ऊपर वायुमंडल में जाता है और पुनः संघनित होकर जो है वर्षा के रूप में फिर गिरता है, ठीक है, ये रहा आपका जल चक्र। चलिए देखा जाए इस लेसन में क्या लिखा है, मतलब इस पेज पे क्या लिखा है। देखिए व्हेन द सन शाइन्स, यहाँ देखिए नंबर एक, व्हेन द सन शाइन्स इट लेड्स टू हीटिंग ऑफ सरफेस वाटर, यानी जब सूर्य चमकता है धूप निकली होती है तो क्या होता है, इट लेड्स टू हीटिंग ऑफ सरफेस वाटर, तो धरातलीय जल को ये क्या करता है, हीट कर देता है, गर्म कर देता है, ठीक है। सम ऑफ दिस वाटर टर्न्स टू वाटर वेपर, और उसमें से कुछ जल जो है, यानी कुछ जल की मात्रा जो है ना किसमें बदल जाती है, टर्न्स टू वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प के रूप में बदल जाती है, ठीक है। वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर इज द गैस फॉल ऑफ वाटर। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प जो है वाटर की गैस फॉर्म है, जल का जो है वाष्पित रूप है, ठीक है ना। डिफ्यूज्ड इन द एयर, डिफ्यूज्ड यानी जो स्प्रेड इन द एयर, यानी हवा में फैला हुआ है। जल वाष्प क्या है, पानी का ही एक रूप है जो हवा में चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर दो पे, यहां से देखिए, दिस वाटर वेपर, ये जल वाष्प जो है ना, दिस वाटर वेपर राइजेस इन द एयर, ये वाष्प जो है, जल वाष्प जो है हवा में ऊंची उठती जाती है, एंड चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, ऊंचाई पे जाकर ये जल की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में बदल जाती है। कब, ये तब बदलती है, कब, ऑन कूलिंग डाउन, जब ये ठंडी होती है ना तो जल की नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में बदल जाती है। वही जल वाष्प जब ठंडी होती है तो जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। इसके बाद क्या होता है बेटा, द वाटर ड्रॉपलेट्स, तो पानी की जो बूंदे है ना, जल की बूंदे, सम क्लाउड्स, वो बादल में बदल जाते हैं। द क्लाउड्स गेट हैवी, द क्लाउड्स
गेट्स हैवी, और ये बादल जब बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें जलवाष्प की मात्रा, पानी की बूंदों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होती है? एंड रेनफॉल अक्वर्स, तो वर्षा होने लगती है, ठीक है? द क्लाउड्स गेट हैवी एंड रेनफॉल अक्वर्स, बादल जब बहुत भारी हो जाते हैं तो वर्षा होने लगती है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, रेनफॉल लेट्स टू फिलिंग अप ऑफ लेक्स, थर्ड वाला देखिए, रेनफॉल लीड्स टू फिलिंग अप, वर्षा जब होती है तो क्या करती है? लीड्स टू फिलिंग अप, ये भर देती है किसको? लेक्स, झीलों को, स्ट्रीम्स, पानी की धाराओं को, यानी कि नदियों को, एंड ओशंस, समुद्र, है ना? ये झील, समुद्र, नदी, इन सबको भरने लगती है, ठीक है? वर्षा, सम रेन वाटर आल्सो गोज डीप इनटू द ग्राउंड, क्या होता है? सम रेन वाटर आल्सो गोज डीप इनटू द ग्राउंड, वर्षा की कुछ मात्रा जो है ना, कुछ मात्रा वो धरातल में, पृथ्वी के भीतर गहराई में भी चली जाती है। दिस साइकिल गोज ऑन एंड इज नोन एज द वाटर साइकिल, दिस साइकिल गोज ऑन, और यह क्रम जो चलता रहता है, एंड इज नोन एज द वाटर साइकिल, और इसे हम जल चक्र के रूप में जानते हैं, ठीक है? आइए इधर देखें बेटा, इसमें क्या लिखा है, इस सर्किल में देखिए क्या लिखा है। समटाइम्स टू मच रेन्स कॉज फ्लड्स, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, टू मच रेन्स, इतनी ज्यादा वर्षा हो जाती है, कॉज फ्लड्स, जिससे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का कारण बन जाती है, ठीक है ना? फ्लड्स कैन डाउन पीपल, बाढ़ जो है लोगों को डुबा सकती है, एनिमल्स जंतुओं को डुबा सकती है, प्लांट्स पौधों को बर्बाद कर सकती है, एंड हाउसेस और घर मकानों को डुबो सकती है, ठीक है? फिर लिखा दे कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, डैमेज माने नुकसान, ठीक ना? दे कैन कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, वे बहुत अधिक नुकसान का कारण बनती हैं, क्या? बाढ़, बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ ए लॉट ऑफ डैमेज, वो बहुत अधिक नुकसान का कारण बनती है बाढ़, ठीक है? डिजीज स्प्रेड ड्यू टू डर्टी वाटर वेयर एवर देयर इज ए फ्लड, क्या होता है? डिजीज स्प्रेड, बीमारियां फैल जाती हैं, कैसे? ड्यू टू डर्टी वाटर, गंदे पानी की वजह से, वेयर एवर देयर इज ए फ्लड, जहां कहीं बाढ़ आती है वहां पे गंदा पानी होता है, उस गंदे पानी से जो है ना तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है बेटा? तो ये केस आपका कंप्लीट हुआ, इसे आप फिर से पढ़िएगा, ठीक है? मैं बंद कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, थैंक यू।